दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कलयुग के शासक कलिपुरुष से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक जानकारियां और तथ्य जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना हो। तो ऐसे ही हिंदू पुराणों की और भी रोचक जानकारियां पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी पहुँचे आपको सबसे पहले। सबसे पहले बात करते हैं कलिपुरुष के जन्म की। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला था तब भगवान को एक छोटा हिस्सा दिया गया था, बाकी हिस्से को वायुदेव ने एक सोने के बर्तन में इकट्ठा कर उसे ग्रहण किया था। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने पूरे विष को अकेले ग्रहण किया था, लेकिन विष का छोटा हिस्सा जिसे शिव ग्रहण नहीं कर पाए थे वो हिस्सा ही कलिपुरुष का शरीर बना। कलिपुरुष का वर्णन हमें कल्कि पुराण में भी मिलता है, जिनके अनुसार कलिपुरुष का जन्म ब्रह्मा की पीठ से हुआ था। प्रलय की अवधि खत्म होने के बाद ब्रह्मांड की वापस से रचना को जल्दी करने के लिए ब्रह्मा द्वारा कलि और उसके परिवार की रचना की गई थी। इसका परिवार द्वापर युग का अंत और कलयुग का शुरुआत लाने के लिए मानव जाति के दिलो दिमाग में पाप, लालच और घृणा को बढ़ा देता है। कलयुग के फर्स्ट स्टेज में वर्णाश्रम टूट जाते हैं और मनुष्य की ईश्वर में से आस्था कम होने लगती है। दूसरी, तीसरी और चौथी स्टेज में मनुष्य भगवान का नाम तक लेना भूलने लगेगा और देवताओं को प्रसाद चढ़ाना छोड़ देगा। कलयुग की शुरुआत में राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने गए थे, तभी बीच रास्ते में कलि उनके सामने प्रकट होता है और उनके राज में प्रवेश करने की अनुमति मांगता है, जिसे राजा ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन कलि के बहुत जिद करने पर राजा ने उसे रहने के 5 स्थान दिए, जहां जुआ खेला जाता है, जहां शराब की सेवा की जाती है, जहां पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाए जाते हैं, जहां पशुओं की हत्या की जाती है और स्वर्ण तथा स्वर्ण से बनी वस्तुओं में। इन 5 जगहों पर कलि पुरुष अपना वास कर सकता है। इसके बाद कलि बड़ी ही चालाकी से राजा के मुकुट में प्रवेश करता है और उनके विचारों को बिगाड़ देता है। प्यास लगने पर राजा परीक्षित शमिका नाम की ऋषि की कुटिया में प्रवेश करते हैं। कुटिया के अंदर ऋषि ध्यान में बैठे थे। यह देख राजा परीक्षित को गुस्सा आया और उन्होंने मरे हुए सांप को ऋषि के गले में डाल दिया। बाद में जब ऋषि का ध्यान टूटा तो उन्होंने राजा को 7वें दिन सांप काटने से मरने का श्राप दे दिया। बात करें कलि पुरुष कैसा दिखता है, इसका वर्णन हमें पुराणों में मिलता है। कल्कि पुराण के अनुसार कलि पुरुष को एक विशाल प्राणी बताया गया है। उसका भद्दाकारा रंग होगा, बड़ी बड़ी जीभ होगी, साथ ही उसका मुंह एक कुत्ते के समान होगा और लाल रंग के लिलिन के कपड़े और सुनहरे आभूषण पहने हुए लंबे हरे बारों के साथ चित्रित किया गया है। तो बात करें मैरिज अफेयर्स की, तो कल्कि पुराण के अनुसार कलि ने अपनी बहन दुरक्ति से विवाह किया। इनके 2 बच्चे हैं, बेटा भाई और बेटी मृत्यु। भाई और मृत्यु ने आपस में शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। दूसरी मान्यताओं के अनुसार कलि की पत्नी आलक्ष्मी है, जो कि माँ लक्ष्मी की जुड़वा बहन है, जो विष्णु की पत्नी है। जो कि दुरक्ति कलि की पत्नी है, तो काफी लोग मानते हैं कि आलक्ष्मी कलि की दूसरी पत्नी है। बात करें रफ अफेयर्स की, तो मार्कंडेय पुराण के अनुसार कलि पुरुष वरुथनी नाम की अप्सरा से प्यार करता था, पर वरुथनी प्रवण नाम के ब्राह्मण को चाहती थी। प्रवण को जादुई मरहम दी गई जिससे वो उड़ सकते थे। वह हिमालय में कई सालों तक तपस्या करते रहे। जब अप्सरा ने उन्हें देखा तो वह उन पर मोहित हो गई। तपस्या के बाद अप्सरा ने उनके साथ रहने को कहा। प्रवण ने उसे ठुकरा दिया और अग्नि से उन्हें वापस घर अपनी पत्नी के पास पहुंचाने की प्रार्थना की। कलि ने देखा कि ब्राह्मण के प्यार में पागल है और उसने प्रवण का रूप धारण करके उसके सामने अप्सरा के साथ संभोग किया। इसके बाद वरुथनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जो न केवल ब्राह्मण की तरह दिखता था बल्कि उसको वेदों और पुराणों का भी पूरा ज्ञान था। ऐसा माना जाता है कि महाभारत का दुर्योधन भी कलि का रसायन था। महर्षि विदुर, जो कि धृष्टराज के भाई और दुर्योधन के चाचा थे, उनके कई बार मना करने के बावजूद भी धृष्टराज ने दुर्योधन को स्वीकार किया। कल्कि पुराण के अनुसार जब धरती पर पाप, लालच, काम और क्रोध अपनी चरम सीमा पर होंगे, तब ईश्वर विष्णु अपने 10वें और आखिरी अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगे और फिर कलि और उनकी सेना का अंत करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आप भी सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में आप हमें यह बताइए कि आप किस भगवान पे आस्था रखते हैं। तो राधे राधे।